वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से। ये देखो इमरान भाई आज पौधे लगा रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह पौधे लगते हैं। इमरान भाई पौधे लेकर आए हैं हमारे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इमरान साहब जा रहे हैं आगे आगे क्यारी की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। फंस गए हो भाई। ओह ये पौधा गिर रहा है भाई, से पौधा गिर रहा है। इमरान साहब पौधा गिर रहा है आपसे, गिर गया तो ये पता है कितने का है? 5,000 का है। ये बिलाल साहब को कहीं नहीं मिल रही। अब बिलाल साहब कहीं पूछ रहे हैं कहीं देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। कहाँ से आते हैं ये? इलाके का छोटा मुंशी आ रहा है सब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसे कर रहे हैं इमरान भाई, ये देखें। ओए ये क्या कर रहे हो? इमरान साहब कंडे हैं साथ लग जाएंगे। गाइस कंडे पहुंचे हैं, आप देख नहीं होंगे ना, यही मक्खी मारता है ये पौधा। दुनिया के बेहतरीन पौधों में से एक है, इसको आप मुंह पे लगा सकते हैं। इसको बालों को उंगल नहीं आती, इस वजह से जो बच्चे पौधों को खराब करते हैं उनके लिए ये लगा देना चाहिए। दोस्तों बिलाल साहब कई लेके घर से आ गए। अब ये दोस्तों अब बिलाल साहब कई लेकर आ गए और क्यारी बना रहे हैं। देखो क्यारी कैसे बनती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। गांव में पौधे लगाए जाते हैं, आपको आज दिखाएंगे। ये देखो बिलाल साहब ने काम स्टार्ट कर दिया है और क्यारी बनानी शुरू कर दी है। बिलाल साहब जल्दी करो, बहुत ढीले हो। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। पौधों को गमले में निकालने का तरीका देखें दोस्तों, किस तरह निकाला जाता है। अब हमारे भाई बिलाल सब निकाल रहे हैं, करीब करें थोड़ी सी वीडियो। ये देखो बिलाल साहब अब पौधा लगा रहे हैं और पौधे को अंदर जमीन के लगा रहे हैं और मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं। बिलाल साहब से पूछते हैं ये पौधे कौन कौन से हैं, इनका नाम बताइए। बिलाल भाई ये कौन सा पौधा लगा रहे हैं जरा बताना प्लीज। कैक्टस का, ये कैक्टस वाला है जी। ये खजूर है, ये खजूर का वाला है जी। ये आप ये बेल किसकी खड़ी है? बेल अंगूरों की बेल है। ये बेल तुमसे ना हो पाएगा जी। ठीक है, ये आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं? कैक्टस का। कैक्टस का कौन कौन से लाए हैं? दो लाए हैं अलग अलग चीजें कैक्टस के पौधे। अच्छा, ये कैक्टस के साथ कंडे भी लगे हुए हैं? कांटे वाला कैक्टस। कंडो वाला क्यों लगाया? इधर बच्चे गली में बहुत है, लगने का कंडे लग जाए। यहाँ इनके लिए लगाया, ये जो खड़े करते हैं बच्चे पौधे खराब कर देते हैं, इसलिए हमने लगाए हैं। इसलिए हमने लगाया कि इनका जल निकाला जाए, जो बच्चे ऐसे करेंगे उनको उंगल ना आए तो दोबारा इस तरह। सही। अब भाई हमारे भाई बिलाल भाई दूसरे पौधे की जगह बनाने की शुरू कर रहे हैं। ये देखिए बिलाल भाई बनाएं और दिखाएं किस तरह बनता है, हमें बताएं। ये अब दूसरे पौधे की जगह बन रही है। बिलाल साहब कौन सा पौधा लगाना है इधर नेक्स्ट? लगाएंगे ये इसका नाम क्या है, बड़े पत्ते वालों का? इसका नाम नहीं आता, इसका नाम होता है बड़े पत्ते वाले। बस बड़े पत्ते वाले भाई को नाम नहीं आता। भाई पौधा लेकर आ गए हैं, ये क्या है? अब दूसरे पौधे को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। बिलाल सब तोड़ रहे हैं। पहले दबाना है, पहले दबाना है आगे मिट्टी अलग ना हो, ये कैसे रखना है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये देखो अब तोड़ रहा है और पौधे को किस तरह तोड़ा जा रहा है, करीब से आपको दिखाया जाता है। ये देखो बिलाल साहब ये किससे तोड़ रहे हैं आप? ये रोड़े ना तोड़ रहे हैं भाई। अच्छा रोड़े ना, ईंट नजर नहीं। अच्छा, ये पौधा खराब नहीं होता है ईंट लगाने से? ईंट मारने से खराब नहीं होता है, खानदानी पौधा है ना। खानदानी पौधा है, इसके बाप दादा भी। पौधे का काम करते थे, ठीक है, पौधे के खानदानी काम करते थे दादा और परदादा वगैरह। सही सही सही। ओए गाली नहीं निकाली भाई, कड़ा लग गया बिलाल साहब को। ओए होए होए अफसोस हुआ भाई। इमरान साहब आप खड़े हैं, कुछ आप भी कर रहे हैं इधर? इमरान भाई, इमरान साहब यार। फाइनली दूसरा पौधा लगा चुके हैं। ये देखा आगे और तीसरे पौधे की जगह बनाई जाएगी।
ये दो पौधे लग चुके हैं हमारे अभी तक। फिलहाल साहब कैक्टस की थर्ड नस्ल के पौधे की जगह बना रहे हैं, ये गमला वगैरह और खुदाई कर रहे हैं इधर। ये देखो, ये लगाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मशक्कत की जाती है, चौकी वगैरह पानी वगैरह इनकी बहुत देखभाल की जाती है। अब जैसा कि बिलाल साहब गमला के लिए जगह बना रहे थे पौधे के लिए, उन्होंने अपने पैर के ऊपर अपने लापरवाही का नतीजा ये कई बार दिया। आपने तो कभी देखा नहीं होगा इस तरह के काम होते हैं। बिलाल साहब थर्ड पौधे की जगह बना रहे थे, जैसे आपने बताया कि पीछे मशक्कत वाला काम है, बिलाल साहब ने अपने कुछ भी वगैरह भी तोड़ दिया। ये नीचे पानी वाला पाइप था, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये भी तोड़ दिया इन्होंने। तो तोड़ते हुए बिलाल साहब ये बिलाल साहब दिखाएं जरा पौधा किस तरह तोड़ा जाता है। ये पौधा है आम सूर का, और बताया जाए कौन सा पौधा है। दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं। कौन सी नस्ल, और इसकी एक ही नस्ल है, ये बहुत खूबसूरती के लिए होते हैं, आर्टिफिशियल है भाई, आर्टिफिशियल है। इनका नाम क्या, नाम तो जरा बताए पौधे का, नाम क्या था जी? गुलराम पौधा। गुलराम पौधा सही। ये किधर से मिलता है अगर किसी ने? अब मिट्टी डाल रहे हैं इस पौधे पर और इसे लगा रहे हैं, परमानेंट लगा रहे हैं इसे, और इसे ठीक कर रहे हैं, इसकी जगह बना रहे हैं, किसी परफेक्ट जगह पर लगा रहे हैं। ये देखिए पौधा लगा है, बहुत मुश्किल काम है भाई, यार भी नहीं लगा सकता। अच्छा बिलाल भाई, यार कोई नहीं लगा सकता, अगर हम लगा जी जी सही। पानी वगैरह भी लगाना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, खाद लगानी पड़ती है, स्प्रे डालना पड़ता है। यार स्प्रे से तो खराब हो जाते हैं पौधे मेरे ख्याल से, स्प्रे डालना पड़ता है। अच्छा आप मेरी बच्चे आपको गांव का नहीं पता? अच्छा नहीं भाई, हम भी गांव के ही हैं। कौन से गांव के भाई? ये सिर्फ पांडू ब्लॉगर से। अच्छा कैक्टस की तीसरी नस्ल लगा रहे हैं और इसके बारे में पूछते हैं इसका क्या फायदा है और ये किस तरह का पौधा है। बिलाल साहब बताएं जरा, ये कैक्टस का बहुत अच्छा पौधा है, इसमें छोटे छोटे लगते हैं ड्रैगन फ्रूट जी, रेड कलर के खाने में बहुत ताकतवर, बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए लगा रहे हैं कल को अगर इसमें फल लगे और हम फल खा सके इसका जी। इसका ये बहुत अच्छी चीज है, इसको लगाना चाहिए यार घर में। मैं कहता हूँ खाने वाले पौधे फ्रूट वाले पौधे होने चाहिए जी सर, ताकि हमें बाहर से फ्रूट बहुत कम खरीदना पड़े। आम भी लगाए हैं बहुत सारे पौधे भाई। अच्छा उधर कौन कौन से लगाए हैं, हमें विजिट कराएंगे? हमारा आम है जी, हमारा ऑरेंज लगा हुआ है। अच्छा अच्छा बताया था मैंने इस पौधे के बारे में एक और भी सुना, कहते हैं इसकी जड़े नहीं होती, सुना है इसकी जड़े नहीं, जड़े बहुत कम होती है, अगर एक साल तक भी बाहर पड़ा रहे दोबारा लगाए तो ये उग, इसको इधर से अगर कटिंग कर के दोबारा लगाए दोबारा इसकी कलम वगैरह लगा सकते हैं, कलम हो सकता है जी जी सही। ये इमरान साहब आप पौधा उठाने जा रहे हैं, जो बाकी पौधे पड़े हैं आपको दिखाएंगे, आगे पौधे बहुत लेने जा रहे हैं और कौन कौन से पौधे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इमरान साहब कौन कौन से पड़े हैं उधर पौधे? अभी तो एक गुलाब की बेल पड़ी है, अच्छा अच्छा वो उठाने जा रहे हैं, चलो देखते हैं वो कैसी होती है। बेल के पास आ चुके हैं हम, अब ये उठा रहे हैं भाई उठाएं और दिखाएं जरा जी। अब हम लेकर जा रहे हैं इसे और इसे लगाना है आगे जी। तो हम पौधे को उसकी मंजर पर लेकर पहुंच चुके हैं, इमरान साहब इधर पौधे को लैंड कराएंगे, ये देखना, और ये नीचे इमरान साहब इधर रखेंगे, इमरान साहब रखें नीचे और इसे इधर लगाएंगे, इसकी अब जगह बनाएंगे इधर नहीं अब, और इसे भी इधर लगाना है। ये गड़बड़ है बाबा। बिलाल साहब ये बिलाल साहब अब नया पौधा उठा रहे हैं, बिलाल साहब बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। भाई एक बेल है, बेल बहुत प्यारी, ये इसमें रेड रेड कलर का फूल होते हैं, इसकी बहुत ज्यादा खुशबू होती है, फूल छोटे छोटे होते हैं, इसका है खुशबू बहुत ज्यादा होती है, ये मैं घर में लगाने लगाऊ घर पे, मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत रहेगा, ये तजर्बा बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा मुझे क्या मिल रहा है? ये देखो बिलाल साहब ने पहले, बिलाल भाई ने ये सामने जो बेल आपको नजर आ रही है बिलाल साहब ने एक साल पहले लगाई थी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, ये देखो पूरी दीवार पर फैली हुई है, आगे तक फैली हुई है। अब इसके साथ की एक बेल और लाए हैं, ये देखें बिलाल साहब इसे इस बेल के बारे में जरा बताएं ये किस तरह की है उसके। एक मिनट सर मैं कहा सुनू, मैं बताता हूँ, एक मिनट रोड पर रखना। हक दिया अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हक दिया साहब, कॉल खत्म होगी आपकी जी, होगी ओके अल्लाह जी। जरा बताएं इसके बारे में। हाँ इसके पौधे बारे पूछ रहे हैं जी जी, ये बहुत प्यारी भाई बेल है, ये
फेल इसके रेड कलर के फूल होते हैं छोटे छोटे स्टिक्स, वो 500 मीटर की रेंज है, जिधर हवा जाती है उधर हो जाती है। इंशाल्लाह फर्स्ट बार लाया, मैंने पहले इसका नहीं चेक की लड़ने देगा, लेकिन पहली बार लेके आए हैं, लेकिन मुझे ये शक्ल से दिख रही है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके पत्ते देखे ना, ये सामने लाए कैमरा, इसके पत्ते दे, इसके पत्ते के रंग भी दो है, येलो टाइप है एक, एक ग्रीन कलर है, इसके शेड टाइप पत्थर है, तो बहुत ही खूबसूरत है, इंशाल्लाह आप लगाएंगे तो देखेंगे कैसा है। चलो ओके भाई, बहुत मेहरबानी, माशाल्लाह आपको मजे की बात है। ये बताऊं, ये बिलाल भाई जो हमारे सामने ना पौधों के, इनको बचपन से ही शौक है, ये काफी इन्होंने गांव में पौधे लगाए हुए हैं, तो तकरीबन पहले ये हमारे यूट्यूबर भी रहे हैं, तकरीबन 5 दफा फ्लॉप हो चुके हैं, अब दोबारा 6ठी दफा कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये बेल लगाने के बाद हम बिलाल साहब के डेयरी फार्म पे जाएंगे, उधर भी इन्होंने तकरीबन काफी शौक किया हुआ है पौधों का, इंशाल्लाह जाते हैं 20 मिनट लगेंगे इसको लगाने, हाँ तो इधर से उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे आपको, आप हमारे डेयरी फार्म अपना जी उधर हम जाएंगे। खूबसूरत है, हमारे बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं, मुझे पौधे को लगाने का बहुत ज्यादा शौक है, बचपन से शौक। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला था, लेकिन अब जाके पूरा हो रहा है माशाल्लाह, शौक की कोई उम्र नहीं होती, आप लोगों को पता भी है इंशाल्लाह। चलो हम अब चलते हैं, खाते रहेंगे, मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा थोड़ी देर में, अभी ये मैं लगा लूं। ओके भाई, बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।